डियर फ्रेंड्स, वेलकम एन एस एस मैथ्स क्लास। और अ टॉपिक क्लास 11 से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि दिस ईयर ऑनवर्ड सीबीएसई ने एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस किए हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। उस 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स जो है वो मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ के लिए है। सो हम लोगों ने क्लास 11 एंड क्लास 12 की मैथ्स एक्टिविटी की सीरीज स्टार्ट की है। सो ऑलरेडी हमने क्लास 12 के लिए कुछ एक्टिविटीज़ के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज हम लोग क्लास 11 के लिए जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, वेदर इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी मैथ्स एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम फॉर जेई मेंस एंड ऑल दिस, सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। इन सब के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। ये एक्टिविटी जो फर्स्ट टॉपिक है सेट्स, उससे दिया गया है, और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आपको कैसे लिखना है। लेकिन क्या करना है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने पे इम्फेसिस नहीं दिया है। लेकिन आप जब अपनी नोटबुक में इन एक्टिविटीज़ को लिखेंगे थोड़ा डेकोरेटिव वे में लिखेंगे, और या एक आध वो हेडिंग को इंक्लूड कर लेंगे जो आपके टीचर्स बोलते हैं। हमने कोशिश किया है कि जो एनसीईआरटी की जो लैब मैनुअल है उसमें जो गिवन है हमने उसी को फॉलो किया है। लेकिन थोड़ा बहुत स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, और जैसा आपके टीचर्स बोलते हैं आपको क्या करना है उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेना। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा जब हम लिखने जाएंगे, सो दैट इज ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी का कि टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट एंड वेरीफाई दैट इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2n। इन अगर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मेनी सबसेट्स दैट पर्टिकुलर सेट हैविंग। सेकेंड हेडिंग होगा मटीरियल रिक्वायर्ड, दैट मीन वट मटीरियल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। सो जनरली पेंसिल, थिक पेपर, कलर पेंसिल, स्केच पेन, स्केल, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देन अनदर वाज द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट वन, टेक एम्प्टी सेट, हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। टेक द एम्प्टी सेट सी ए नॉट विच हैज नो एलिमेंट। नाउ सेकंड, टेक द सेट ए वन विच हैव वन एलिमेंट, टेक द सेट ए टू विच हैव टू एलिमेंट्स, एंड टेक द सेट ए थ्री थ्री एलिमेंट्स। इवन इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू फ्यू मोर स्टेप्स लिखना चाहें, सो हम क्या कर सकते हैं, टेक ए सेट ए फोर हैविंग फोर एलिमेंट्स। लेकिन जितना ज़्यादा हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी एक्टिविटी एक तो लेंदी हो जाएगी और हमें ज़्यादा सर्कल्स बनाने होंगे। सो नेक्स्ट वन इज आवर डेमोस्ट्रेशन पार्ट। सो हियर इज अ डेमोस्ट्रेशन पार्ट। सो हमने क्या किया डेमोस्ट्रेशन पार्ट में, ये हमारा फिगर नंबर 1 है, ओके। देन हियर वी हैव फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 3 हो जाएगा, और ये फिगर नंबर 4। जैसे मैं आपको कहता हूँ डेकोरेशन, तो यही पर आप थोड़ा डेकोरेशन यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, ये सर्कल्स को कट करके पेस्ट करेंगे, और साथ में ये अलग अलग कलर से इसको डेकोरेट करना है। मैंने यहाँ पर डेकोरेशन पार्ट को अवॉइड किया है। सो एक सर्कल ये है द फर्स्ट पार्ट, ए जीरो सर्कल, सेट ए जीरो हैविंग नो एलिमेंट। देन नाउ दिस वो पहला सेट था हैविंग नो एलिमेंट, एंड देन हियर इज अ सेट, दूसरा सेट है इसमें एक एलिमेंट है। सो ये जो शेडेड पार्ट्स है ना पेंसिल के कलर से शेड किया हुआ है, ये वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। अगेन हियर सी, ये ए जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है नो एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन एलिमेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैविंग टू एलिमेंट। सो वन मोर सर्कल, इसी फिर इसको हम और एक्सटेंड करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट सर्कल हैविंग नो एलिमेंट, दिस इज सर्कल हैविंग वन एलिमेंट, हैविंग टू एलिमेंट, एंड हैविंग थ्री एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन मीन सेट ए जीरो, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए जीरो। अब सी ये तो ए जीरो है, तो इसके अगर सबसेट बनना जाएंगे तो ये खुद ही एक सबसेट होगा। सो हैविंग ओनली वन सबसेट जिसको हम लोग फाइव यानी एम्प्टी मीनिंग नो एलिमेंट ना। सी अगर मैं यहाँ पर सबसेट काउंट करने जाता हूँ तो काउंटिंग के लिए कुछ है ही नहीं। सो ये जो सेट हमने ए जीरो लिया है ये खुद ही क्या होगा, एक सबसेट हो जाएगा। सो यह हमने ऑब्जर्वेशन में लिखा, ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट्स, और उसको क्या कर रहे हैं जनरलाइज कर रहे हैं ये, इसको हम कह सकते हैं जनरलाइजेशन यानी फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला बनाया जा रहा है। सो वन को हमने 2n के फॉर्म लिखा। आइए सेकंड में आते हैं। अब अगेन यहाँ मैंने लिखा 1+1 2, अब ये टू सबसेट कैसे होंगे। सी एक तो ये ए जीरो हो गया जो फाइव वाला है,
दूसरा पार्ट ये है जो डैश डैश जो A1 से बनेगा। ओके तो एक 50 हो गया और एक A1, ये जो कलर पेंसिल वाला हुआ पोर्शन है, एक सबसेट ये हो गया। सो अगेन टू सबसेट्स आर देयर। सिमिलरली इसमें आइए, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स थर्ड फिगर में कितने होंगे उनको काउंट करना शुरू करते हैं। सो एक तो हमारा A0 हो गया इंडिविजुअल, दूसरा A1 पार्ट ये पेंसिल पार्ट, थर्ड सबसेट हो गया A2 पार्ट, और जो नेक्स्ट है वो हमारा A1 A2 पार्ट है। जब इन दोनों सब सी, ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। एक वो सबसेट जिसमें हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, A1 और A2 को इंक्लूड करेंगे। सो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, 1 2 3 4, इसको हमने यहाँ लिख दिया कि जैसे A1 वन एलिमेंट, सो टू सबसेट्स, सो 2 to power 1, A2 अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट 2, सो टोटल सबसेट्स 4, विच कैन बी रिटन एज 2 to power 2। आइए अगर 3 एलिमेंट्स में आते हैं, सबसेट्स को काउंट करना शुरू करते हैं। एक A0 से बनेगा, दूसरा A1 से बनेगा, एक A2 से बनेगा और A3 से बनेगा। इसके बाद एक A1 A2 से बनाएंगे, एक A2 A3 से बनाएंगे और एक A1 A2 A3 से बनाएंगे। सी हम क्या कर रहे हैं, एक हमने बनाया ये तो एक 1 2 3 4, ये हमारा फिफ्थ हो गया। ओके फिफ्थ हो गया, ये हमारा सिक्स हो गया, सिक्स सेट हो गया राइट। एक हमारा ये कंप्लीट थर्ड थ्री, सेवन हो गया। वन मोर इज देयर, क्या छूट रहा है, ये जिसमें हम A0, जिसमें हम A1 और A3 को इंक्लूड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो अगेन व्हेन थ्री एलिमेंट्स आर देयर टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8, जिसको हम 2 to power 3 लिख सकते हैं। सो सी हियर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वही 2 की पावर को लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होगा सो टोटल सबसेट्स कितने जाएंगे, 2 to power n सबसेट्स आर देयर। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है सो क्या कर सकते हैं, एक और फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और जिसमें हम एक सेट और लेंगे हैविंग 4 एलिमेंट्स। तो क्या होगा, एक सर्कल और बाहर बनेगा जो कि A4 को रिप्रेजेंट करेगा और हम इसी तरह से क्या करेंगे, सबसेट्स को काउंट कर लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो नाउ हमने क्योंकि जनरलाइजेशन फॉर्मुलेशन कर दिया, एक रिजल्ट के पास पहुंच गए कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to power n। एंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज, दिस एक्टिविटी कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहा एक्टिविटी 1 फॉर क्लास 11। जो टॉपिक हमने लिया है वो सेट्स लिया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।